स्टूडेंट आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जिसको हम कहते हैं ईसीजी। आप सब ने ईसीजी का नाम सुना होगा और ये कॉमनली जो हार्ट के डिजीज़ वाले पेशेंट होते हैं अक्सर उनको यह टेस्ट लिखा जाता है ईसीजी, यानी कि इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये है क्या? आप हमेशा ये हॉस्पिटल में गए होंगे, टेलीविज़न में दिखाई देता है, किसी पेशेंट की मॉनिटरिंग मशीन लगी होती है और उसमें स्क्रीन लगी होती है और उसमें से आवाज़ आती है पीप 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 ऐसे करके, और पेशेंट जो है कार्डियक अरेस्ट या कहें हार्ट डिजीज़ से वो प्रभावित होता है। तो इसको हम आज पढ़ाने जा रहे हैं ईसीजी। यह जो मशीन होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ऑप्टेन किया जाता है, इसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो भी हम मशीन जिस तरह से यूज़ करते हैं इसको हम ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हार्ट की होती है कार्डियक साइकिल में, जो सायस्टोलिक और डायस्टोलिक मोमेंट होती है, उस सायस्टोलिक डायस्टोलिक मोमेंट को इस फिगर के द्वारा हम इस तरह से दिखाते हैं और इसी को हम ईसीजी कहते हैं। ईसीजी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हार्ट इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है या कार्डियक साइकिल चलती है, जो एक बार एक्सपेंड होता है और फिर जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है। ईसीजी या जिस पेशेंट का हम लेते हैं उसे कनेक्ट कर देते हैं पेशेंट के मशीन से और उसमें तीन इलेक्ट्रिकल लेड्स होते हैं, एक उसके रिस्ट में और एक जो है लेफ्ट एंकल में उसके जोड़ देते हैं और फिर उसके बाद उसके हार्ट एक्टिविटी को देखते हैं और फिर हार्ट फंक्शन कैसे कर रहा है इसको देखने के लिए फिर इसको हम ईसीजी मशीन से जोड़ देते हैं और इसमें एक इसका ग्राफ बनता है जिसको यहाँ डायग्राम में दिखाते हैं। यह डायग्राम इस तरह से है, एक पी दिख रहा है, दूसरा क्यू आर एस और टी, यह स्टैंडर्ड ईसीजी है। इसमें जो पी है, पी जहाँ पे दिखाई दे रहा है, यह पी जो है एक्साइटेशन का है, डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया, यानी कि जब एट्रिया कॉन्ट्रिक्ट होता है, कॉन्ट्रिक्शन होता है दोनों एट्रिया का, वह हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्यू आर एस जब यह डिपोलराइज होता है वेंट्रिकल, और ये वेंट्रिकल के कॉन्ट्रिक्शन को दिखाता है। पी जो है इसके एट्रिया के कॉन्ट्रिक्शन को दिखाता है और क्यू आर एस जो है वेंट्रिकल की। फिर इसी तरह से ये क्यू आर एस फिर आगे बढ़ता है और फिर टी जब रिटर्न में फिर आता है वेंट्रिकल और एक्साइटेशन स्टेट जो होती है उसको दिखाएं, यानी ये जो पी क्यू आर एस है टी है ये पूरे कार्डियक साइकिल को रिप्रेजेंट करता है, एक बार एक्साइटेशन एक बार रिलैक्सेशन एक बार कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है और इस तरह के वेव्स आगे चलते जाते हैं। यदि यह इस तरह के वेव्स नहीं मिलते हैं तब इसका मतलब होता है कि हार्ट अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। और ईसीजी जब हम इंडिविजुअल का निकालते हैं तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो दिखाई दे रहा है, यदि नॉर्मल है तो इस तरह से दिखाई देगा, यदि नॉर्मल नहीं होता है, यदि इसमें डेविएशन दिखाई देता है तो इट मीन्स यह जो है कोई ना कोई डिजीज से अफेक्टेड है। अब है डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। कुछ डिसऑर्डर हैं जैसे हाई ब्लड प्रेशर जिसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं, नॉर्मली बॉडी की जो बीपी होती है जिसको हम बीपी बोलते हैं 120/80 होती है, तो 120 mmHg सायस्टोलिक प्रेशर होती है और 80 जो होती है वह डायस्टोलिक प्रेशर होती है। अब इससे यदि अधिक हो जाता है तो इसको हम कहते हैं कि हाइपरटेंशन व्यक्ति को हो गया है और इसका इफेक्ट जो है हार्ट डिजीज़ होती है, इसकी इफेक्ट फिर ब्रेन पे आती है और उसकी किडनी पे आती है। हाइपरटेंशन के लिए कोई भी रीज़न हो सकता है, इसका अभी ठीक से पता नहीं है। दूसरा डिजीज़ है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जिसको हम CAD कहते हैं या एथरोस्क्लेरोसिस कहते हैं।
ये क्या करता है, इसका इफेक्ट होता है कि ये जो है वेसल्स हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई करते हैं, और ये क्या होते हैं कि जब अफेक्टेड होता है तो इसमें जो आर्टरी की ल्यूमेन होती है वो कम हो जाती है। और यह कैसे कम होती है, क्योंकि उस ल्यूमेन में कैल्शियम, फैट और कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन हो जाती है, यानी जमा हो जाता है। यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में जब ब्लड की सप्लाई हार्ट को कम हो जाती है तब यह डिजीज़ हो जाती है। दूसरी है एंजाइना, एंजाइना पेक्टोरिस, इसमें चेस्ट में पेन होता है। और फिर उसके बाद आता है हार्ट फेल्योर, जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं कि हार्ट फेल्योर क्या होता है। हार्ट फेल्योर में हार्ट पंपिंग करना कम कर देता है, और फिर उसके बाद जो है हार्ट फेल होता है और व्यक्ति इसमें डेथ भी हो सकती है। इसी तरह से हार्ट अरेस्ट और हार्ट अटैक होता है, जिसमें कि पंपिंग धीरे धीरे होती है और पंप नहीं कर पाता है ठीक से हार्ट, जिसमें कि हम फिर बाद में उसको उपाय करने के लिए पेसमेकर लगाते हैं।